आज हम एक ऐसे गोडाउन में हैं जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, ये पेशावर रोड है, अटक का पेट्रोल पंप है, तरनोल इससे थोड़ा सा ही आगे है। लोकेशन इसकी कोई मुश्किल नहीं है, डेवो के अड्डे से तकरीबन आप कह लो 2 किलोमीटर आगे हैं, 1.5 से 2 किलोमीटर। और इधर आपको हर तरह की, इस जगह पे हर तरह की आपको आर्मी ऑक्शन, गवर्नमेंट ऑक्शन, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। इन जगहों की पहली तो बात बहुत कम वीडियोज़ हैं, और अगर हैं भी तो लोगों ने कोई अच्छे, आप कह लो ब्लरिश इफ़ेक्ट बहुत है, सही तरह बताया नहीं है, जगहों के बारे में नहीं बताया ये है कहाँ पे, इस गोडाउन के बारे में नहीं बताया। ये एक प्रॉपर मार्केट है, ये सिर्फ एक गोदाम नहीं है, ये प्रॉपर मार्केट है। और माल ज़रूरी नहीं है कि इधर हर टाइम हो। मैं आज अगर आपको वीडियो में कह रहा हूँ बिलफर्ज ये गाड़ी या वो गाड़ी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप आओ, क्योंकि अब मैं नहीं जानता आप ये वीडियो कब देखोगे। लोकेशन इसकी कोई मुश्किल नहीं है, लोकेशन इसकी पेशावर रोड है, डेवू का अड्डा आएगा, उससे आगे आपको नज़र आ जाएंगे, गोदाम काफ़ी हैं इधर। तकरीबन आप कह लो गाड़ियाँ आती रहती हैं, इस टाइम कोरोना की वजह से आप देख रहे हो हर तरफ यहाँ गवर्नमेंट ऑक्शन, कस्टम ऑक्शन, पोर्ट ऑक्शन, इस टाइप की भी चीज़ें, आर्मी ऑक्शन, मिलिट्री व्हीकल्स, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। ये गवर्नमेंट ऑक्शन, ये भी गवर्नमेंट ऑक्शन, ये बस, इधर चैसियाँ भी हैं, बॉडियाँ भी हैं। और इधर से अब हम जाते हैं, हर तरफ इधर वो देख रहे हो मेन रोड है, ये डेवो के अड्डे से ज़्यादा दूर नहीं, 1.5 से 2 किलोमीटर ही है। ये यहाँ ट्रक खड़े हैं मेन पे, आपको पता चल जाएगा गवर्नमेंट ऑक्शन वाले हैं। ये बस है गवर्नमेंट ऑक्शन की, बॉडी हैं, जीपें मैंने अभी तक देखी नहीं, ना कमांडो जीप ना कोई और जीप। वैसे चैसियाँ भी आपको मिल जाती हैं, फ्रेम सब कुछ मिल जाता है, मगर ज़्यादातर यहाँ जो गाड़ियाँ हैं या जो चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, ट्रक ट्रॉले, उनका ज़्यादातर, क्योंकि वो बिल्कुल इस हालत में नहीं कि वो चल सकें, उनको चलाने के लिए भी आपको इतने उस पर पैसे लगाने पड़ते हैं कि वो ज़्यादातर आप कह लो फिर फ़ायदा कोई नहीं रहता। यूनिमॉग्स अब मैंने नोट किया है, लाहौर में भी काफ़ी लोगों ने लिए थे, रिस्टोर करवाए हैं, मगर वो चलाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है क्योंकि उसके पार्ट शार्ट कुछ नहीं मिलता। यूनिमॉग माई फेवरेट, मर्सिडीज़ का ये वो है, ये गवर्नमेंट ऑक्शन की, ये ट्रक भी गवर्नमेंट ऑक्शन का, ये फिर एक्सेल चेक्सेल ऐसी चीज़ें ही पड़ी हैं, ये ट्राली भी है, इधर माल बहुत कड़ा हुआ है, ये ट्रक भी गवर्नमेंट ऑक्शन का है, ये भी कोई 60-70s का मॉडल है, ये भी बैग पड़ी हुई है किसी ट्रक की, और ये गवर्नमेंट ऑक्शन का ट्रक है। प्राइस इनकी 3, 4, 5, 6 डिपेंड है कि क्या से क्या हो सकती है, 10 लाख भी है, 5 लाख भी है, 4 लाख भी है। ये चैसियाँ पड़ी हुई हैं सारी, ये भी गवर्नमेंट ऑक्शन वाला ट्रक है। इसी तरह इधर आपको हर चीज़ आपकी ये के ज़रूरत पे मिलेगी, जहाँ देखो हर तरफ ऑक्शन वाली चीज़ें, गवर्नमेंट ऑक्शन, पोर्ट ऑक्शन, कस्टम ऑक्शन, नई गाड़ियाँ भी, जैसे वो कैरियर खड़ा हुआ है वो पीछे उस तरफ उतारते हैं नई गाड़ियाँ, वो हैं नई गाड़ियाँ भी हैं यहाँ। ये भी आप देख रहे हो हर तरफ आर्मी ऑक्शन, मिलिट्री ऑक्शन, पुलिस, गवर्नमेंट, जो जो इदारे हैं सरकारी, ये भी ट्रक है। ये थोड़ा मुझे ठीक हालत में लग रहा है, मगर ये मर्सिडीज़ का ही मैं बता सकता हूँ, मर्सिडीज़ का ये ट्रक है, और ये होगा कोई 10-1 लाख रुपए का, 8 से 10 लाख रुपए का होगा, क्योंकि कंडीशन इसकी अच्छी है, रीस्टोर मेरा ख्याल हुआ हुआ है। वो यूनिमॉग माय फेवरेट, उसके साथ वो टोयोटा हाइलक्स है, वो भी एक टोयोटा का हाइलक्स ही है, पुराना खड़ा हुआ, वो तो बिल्कुल स्क्रैप है, ये लोग ले सकते हैं क्योंकि इनके पार्ट चार्ट मिल जाते हैं। ये सुजुकी गाड़ियाँ कुछ खुली हुई हैं, कुछ बंद हैं। और ये चीज़ मैं बता दूं, जब आप वीडियो के लिए कभी कोई भी आया आप में से, परमिशन ज़रूर ले, क्योंकि यहाँ है, यहाँ क्या हर जगह ही है, क्योंकि अगर आप बग़ैर परमिशन के शुरू करोगे और उन्होंने कोई रोक लेता है तो वो फिर माइंड करते हैं, वो फिर आपसे डिलीट भी करवाते हैं, जो कि हमारे साथ कई दफ़ा हो चुका है, कितनी जगहों पर हम गए हैं जो कि फिर वीडियोज़ हमें डिलीट करनी पड़ी हैं इस चक्कर में। तो मेरा ख्याल है परमिशन जो बंदा ले लेता है वो बेहतर है। ये भी बेडफोर्ड का ट्रक है, इसके ऊपर वो बॉडियाँ पड़ी हुई हैं उस सुजू की। ये भी हर तरफ आप देख रहे हो, इस तरफ भी हर तरफ मिलिट्री ट्रक्स, ट्रक ही ट्रक, ट्रक ही ट्रक, जीपें मुझे नज़र नहीं आई इधर। वो सामने आर्मी एम्बुलेंस का बैग पड़ा हुआ है, हर जगह यहाँ लोहा ही लोहा, लोहा ही लोहा है।
मगर एक चीज़ है सर, सी बात है, लोग पूछेंगे ज़रूर इधर आपको, आपका अगर इन्वेस्टर रेट पे चीज़ मिलेगी वो नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी खरीदी हुई है, सर सी बात है, इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी कुछ कमाएंगे, और इन्होंने आर्मी ऑक्शन में बैठ के एक दो नहीं सौ सौ गाड़ी उठाई हुई है। आजकल यहाँ कुछ नहीं है, कम है, मगर मुझे पता चला है बहुत गाड़ियाँ उठाते हैं इधर, ये भी उठाते हैं और एक दो और भी हैं। नाम मुझे उन्होंने कहा मना किया था, इसलिए आपको नाम नहीं बता सकते, आप खुद आओगे आपको पता चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, हर तरफ आप देख रहे हो माल ही माल, फौजी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, होल सेल के हिसाब से जितनी आपको चाहिए। लोग आते हैं जिनको पता है, मगर जिनको नहीं पता उनके लिए ये कि कहीं गुजरते हुए भी देखते हैं, मगर ये कि अगर ये उसी के लिए ना जिस जो ये काम करता है, अब जो काम नहीं करता उसके लिए फिर कोई फ़ायदा नहीं। ये भी आप कह लो सारा कुछ इधर लोहा ही लोहा पड़ा हुआ है। चलते हैं दिखाते हैं आपको और इधर क्या क्या है। ये है कि ये एक लोहा ही लोहा हर जगह। ये भी मिलिट्री ट्रक, ये भी कोई टैंकर टाइप ही था, ये वाला 6 लाख 8 लाख 10 लाख डिपेंड है कि क्या हिसाब है। ये भी हीनों का ट्रक किसी ज़माने में होता था, ये भी टोटल स्क्रैप हो चुका हुआ है। आगे ये माय फेवरेट यूनिमॉग, ये भी है इधर, ये क्योंकि ज़्यादातर लोहे में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, आप वैसे भी ले सकते हो, ये सारी चैसी हैं ये भी। और ये है एक, ये है एक गोडाउन, इधर ऐसे हज़ारों गोडाउन हैं, कई गोडाउन हैं जहाँ एक एक दो दो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ऐसी जगह भी हैं। ये देख रहे हो ये जीप की मेरा ख्याल है बॉडी है, ये वो ट्रक की। हर गाड़ी दिखाने में अंदर से मेरा ख्याल है काफ़ी वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाएगी, बोरिंग भी हो जाएगी। इनको मैंने वैसे रीस्टोर नहीं देखा, क्योंकि ये कि इनके पार्ट चार्ट मुश्किल होते हैं, वैसे अगर हीनों का हो वो भी अब मुश्किल है, सुजू का हो वो शायद चल जाता है। इधर भी हर तरफ लोहा ही लोहा, इधर भी ये है कि ये भी किस दौर के ट्रक हैं आप देख सकते हो। ये सुजू की कोस्टर है, और ये गाड़ी डॉज है, 74 मॉडल की टोयोटा डॉज, पता नहीं इसका कहते हैं ये डॉज, और इसके 7.5 लाख रुपया मांग रहे हैं। बड़ी रेयर ही मैंने देखी है ये, एक मैंने लाहौर में देखी थी तैयार कराई हुई गाड़ी। आर्ट चार्ट ये कि आपको इसके मिलने नहीं है, आपको सारा कुछ खुद ही जाना मुश्किल है, मैं आपको वरना दिखा देता अंदर से भी गाड़ी, कोशिश करते हैं जा के दिखाने की, क्योंकि गाड़ी इतनी स्पेशल है कि मेरा दिल नहीं रुका। ये चीज़ गाड़ी वाकई स्पेशल है, सुपर स्पेशल है। और ये कि ये आप किसी भी तरह इसको बना सकते हो, कमर्शियल तो मेरा ख्याल है मुश्किल है, वैसे ये शौक़ पे ही है कि आप इसको करा सकते हो तैयार। काफ़ी खूबसूरत गाड़ी, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की पुट्टी सीधी चीज़ें। ये यूनिमॉग माय फेवरेट, यूनिमॉग का ये कैरियर ही था उस ज़माने का, और वो वाली गाड़ी डॉज है 74 मॉडल, 7.5 लाख रुपए इसका मांगते हैं, आप तैयार करवा सकते हो, साथ उसके बस खड़ी हुई है सुजू की। हर तरफ इधर जहाँ भी देखो हर तरफ आपको लोहा ही लोहा नज़र आएगा, लोहा ही लोहा, ट्रक ट्रॉले बॉडीज़ चेसीज़ ये सारा कुछ आपको नज़र आएगा यहाँ। यहाँ पे भी हर तरफ आपको स्पेशल स्पेशल किस्म की वो चीज़ें नज़र आती हैं जो आपको आम लाइफ में नहीं नज़र आती। ये यूनिमॉग होती थी, ये सुजू, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, इनके चैम्बर शैम्बर चीज़ें। लोकेशन कोई मुश्किल नहीं है, डेवो के अड्डे से आप आ गया होगे 1.5 किलोमीटर तो ये जगह मिल जाएगी। और भी इधर हर तरह ये बस है, ये गवर्नमेंट ऑक्शन की है बस, बिल्कुल स्क्रैप हुई हुई है, अंदर जाके भी देखते हैं इसके। ये सारा आप देख रहे हो जिस हालत में है ये, उस हालत में तो यही है कि इनको लोहे के काम ही आएंगी, ये यूज़ रीयूज़ नहीं हो सकती, मेरा नहीं ख्याल कोई इनको रीयूज़ कर सकता है। सारी इधर यही चीज़ें खड़ी हुई हैं,
मगर ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं आपने देखा होगा, मैंने नहीं आज तक कभी फ़ौजी ट्रक कोई चलते हुए देखा, ये चैसी है, ये ट्रक की चैसी है, ये इस पर बॉडी रखी जाती है ट्रक की। वो ट्रक हो सकता है रीयूज़, ये सोचा जा सकता है इसके बारे में, मगर बाकी चीज़ें मुश्किल होती हैं। जीप शीप आपने देखा होगा, आर्मी ऑक्शन की जीप काफ़ी लोग ऑक्शन वाली चला रहे होते हैं रीस्टोर करके, मगर मुश्किल होता है, वही बात है। और क्योंकि ये पुरानी चीज़ें ये आपको तंग भी करती हैं, ज़ाहिर सी बात है, एक 50 साल 60 साल पुरानी चीज़। अब ये वाला ट्रक जो है ये गवर्नमेंट ऑक्शन का है, ये भी किसी ज़माने का 70s का ट्रक है, और ऊपर आर्मी ऑक्शन की एम्बुलेंस की पिछली बॉडी है, ये भी गवर्नमेंट ऑक्शन का ट्रक है, ये भी किस ज़माने का है, मेरा ख्याल है कुछ 60s 70s का मॉडल है, और बिल्कुल इस टाइम स्क्रैप हुआ हुआ है। ये ज़्यादातर लोहा ही इसका टूटेगा, रीयूज़ नहीं हो सकता, पर बड़ा हौसला होता है जो लोग ये चीज़ें ख़रीदते हैं, ट्रक श्रक की चैसियाँ या वैसे जो वैसे रीस्टोर करने के हिसाब से ख़रीदते हैं, क्योंकि वैसे तो लोहे के हिसाब से आपको पता बिक जाती होती हैं। आगे देखें, वहाँ से मेन एंट्री, वहाँ से भी आप आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, और ये सारा का सारा आप देख रहे हो, इधर गोदाम ही गोदाम है, सारा का सारा नई गाड़ी भी मिल जाएगी, माल ही माल है हर तरफ इधर। ये अगर आप अंदर आओ मेन एंट्री से, तो इधर भी हर तरफ आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी, इधर भी यही है। ट्रक ट्रॉला हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, लोग आते हैं इधर, जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो फिर ये के वीडियो देख लेता है, उसको फिर पता चल जाता है। इधर भी हर तरफ आप देख रहे हो, ये वाला भी एक काफ़ी हैवी किस्म का मिलिट्री ट्रॉला है, ये भी मिलिट्री ऑक्शन था किसी ज़माने में, काफ़ी ह्यूज है, और इसका मेरा ख्याल होगा कोई 20-25 लाख रुपया तो होगा। इस तरफ भी देखा जाए तो हर तरफ इधर आपको ऑक्शन वाली चीज़ें, गवर्नमेंट ऑक्शन वाली, और वैसे स्क्रैप तकरीबन हुई हुई है। ये सामने फौजी ट्रॉला है, उसकी बैक है, ये भी किसी ज़माने में आर्मी का होता था, वो भी दो ट्रॉले खड़े हुए हैं। हर तरफ इधर आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी, और ये कोई प्रॉपर इधर मार्केट, ये कोई प्रॉपर शोरूम नहीं है, ये एक ही मार्केट है, वो भी आप देख रहे हो ऊपर पड़े हुए हैं, वो भी एक गोदाम है। इधर काफ़ी इस तरह के गोदाम हैं, इधर भी हर तरफ ये चैसियाँ पड़ी हुई हैं, ये वो काम हो रहा है सामने, वो भी ट्रकों की बॉडी है फ्रंट वाली। इधर जिस जगह भी देखो हर तरफ आपको यही चीज़ें नज़र आती हैं, और इन चीज़ों को यहाँ फौजी माल बोला जाता है। ये गवर्नमेंट ऑक्शन वाला ट्रक है, ये ट्रॉला आर्मी ऑक्शन वाला, ये भी कोई बिल्कुल ही स्क्रैप हुआ हुआ ख़त्म हुआ हुआ। इधर हर तरफ यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ये भी कस्टम ऑक्शन वाली है ये गाड़ी। इसी तरह इधर हर तरफ यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी, वो भी सामने बॉडियाँ पड़ी हैं ट्रकों की ट्रॉलों की, ये बसेस हैं गवर्नमेंट ऑक्शन की, ये चैसी हैं सारी, ये भी बड़े बड़े ट्रकों की। अब तो काफ़ी अरसे से ऑक्शन नहीं हो रहा इसलिए यहाँ, वरना ये जगहें भरी होती हैं, मुझे पता चला इधर आके कि ये जगह यहाँ भरी हुई होती हैं। ये भी मेरा ख्याल है ट्रक का ही है किसी, वो भी ट्रक की बॉडी है, ये बस है गवर्नमेंट ऑक्शन की, ये बस तो मैंने चलती देखी है, ये वाली आज भी चलती है, इसकी कंडीशन ठीक है, ये मेरा ख्याल है कोई भी लेके ठीक करवा सकता है, ये हो सकती है रीस्टोर, क्योंकि कंडीशन वैसे लॉक है इस टाइम। और अगर मैं हर कोई आपको अंदर से दिखाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये बस भी हो सकती है रीस्टोर। इधर काफ़ी कुछ है इस तरह की ना, काफ़ी चीज़ें आप आ सकते हो, मगर वही है जिसके इंटरेस्ट की है, जिसका लोहे का काम है, ये हर बंदे का काम नहीं है। अब जंक चार्ट्स वैसे ओवरऑल ख़त्म ही होते जा रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि इस तरह की ज़्यादातर चीज़ें हैं ये लोहे के रेट, लोहा आपका हो, क्योंकि ये लोहा बन जाती हैं फैक्ट्रियों वाले ले जाते हैं,
ये अब रीस्टोर वाला इनका चक्कर नहीं फिर इनके, क्योंकि रीस्टोर कर भी लें तो इनके पार्ट्स नहीं मिलते, रीस्टोर कर भी लें इनके पार्ट्स चार्ट नहीं मिलते, तो जिसकी वजह से फिर कोई भी रीस्टोर करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि वो फिर आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये इस टाइम चेसी है, ये भी ट्रकों की बॉडियाँ पड़ी हैं, ये इस तरफ भी वो सुजू का ट्रक, ये भी चेसियाँ ही चेसियाँ, ये आपको चलना इधर पड़ता है, बारिश की वजह से मौसम ख़राब था, ये भी बॉडियाँ पड़ी हैं, वो भी ट्रक की, हर तरफ इधर यही काम ही काम हो रहे हैं, हर तरफ जहाँ भी आप देखो इधर यही लगे हुए हैं, इसको स्क्रैप में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ चीज़ें बिकती हैं लोहे के रेट पे ही। ये बैग है ट्रक की, ये भी कोई क्रेन वाला ही ट्रक है। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी, मैंने पूरी कोशिश की, स्टिल चीज़ें ज़रूर रह गई होंगी, बारिश भी थी, मौसम भी ख़राब था, मगर आपको डिटेल में एक चीज़ बताई है। आओ जिसने लेनी हो ज़रूर आए, इधर देखो आप, चीज़ें काफ़ी हैं इधर आपके इंटरेस्ट की, ये कि वैसे भी देखना आप आ जाओ, देखने के कोई पैसे नहीं है, हर जगह ये चीज़ें हैं, ऐसी अच्छी अच्छी और भी काफ़ी वीडियोस बहुत कुछ आपके लिए लाते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।